आज हम लोग बहुत ही खुश हैं, सब लोग बहुत हर्षित मन हैं हम सभी लोग, क्योंकि आज हमारे भवाली शहर में, एक छोटे से शहर में, हमारी जो बाबा विश्वनाथ जगदीशिला डोली का आगमन हो रहा है। हम सभी मातृशक्ति इंतज़ार कर रहे हैं और उनका भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं देवी मंदिर भवाली में। हम सभी ने अपने पारंपरिक परिवेश में, जैसे कि आप अभी देख भी रहे, हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष इस दिन का इंतज़ार करते हैं और माता रानी के दर्शन, उसमें जो डोली है उस डोली के अंदर माँ आदिशक्ति विराजमान रहती है और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति उसके अंदर है। लेकिन माँ की ऐसी असीम कृपा है और अपने भक्त हमारे जीवन में बार बार आए, ये कामना के साथ आज हम हमारे जो चारों धाम यहाँ पर उत्तराखंड में हैं, हमारी जो देव यात्रा एक चलती है यहाँ पर गढ़वाल मंडल से कुमाऊं मंडल को लेकर के तमाम जगह वो देवी का एक रथ यात्रा जाती है, तो आज वो पहुँचने वाली हैं। उसका नाम है बाबा विश्वनाथ जगदीश डोली का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और सभी महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में तैयार हुए हैं और सब लोग देवी मंदिर भवाली में एकत्रित हुए हैं। हमें बहुत फिलहाल आप देख सकते हैं कि भव्य मंदिर हमारा भवाली का किस तरीके का है। तो वीडियो में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगी है। और अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मैं बहुत इंतज़ार रहता है इस दिन का, क्योंकि इस दिन माता रानी स्वयं साक्षात हम सबको दर्शन देती है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने अपने पारंपरिक परिवेश में, मेरी कई मातृशक्ति सुबह से मंदिर में आई हुई हैं और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं मंदिर। अभी हमारी जो डोली है, रथ यात्रा जो है, वो नैनीताल नैना देवी मंदिर में पहुँच चुकी है। इसके थोड़ी देर बाद हमारे भवाली में देवी का आगमन होगा। हम सभी लोग बहुत अपने को धन्य समझते हैं और बहुत हम अपने को खुश नसीब समझते हैं, हमें ये कार्य करने का मौका मिलता है। और हमारे ये डोली का जो मुख्य उद्देश्य है, ये चारों धामों का भ्रमण करती है। हमारे देवभूमि उत्तराखंड में जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं, छोटे बड़े, चार धाम तो हैं ही हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इसके अलावा भी जितने भी यहाँ पर देवस्थल हैं, उन देवस्थलों को चिन्हित करना है, क्योंकि विश्व पटल पर उनकी भी पहचान बनानी है। तो इसलिए हम लोग आज बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को हमारी मम्मी जी ने बताया कि आज हमारे भवाली में आने वाली है बाबा विश्वनाथ की डोली, तो जब तक का डोली आती है तब तक का हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ की महिलाएं आज क्या क्या कर रही हैं। हाँ हाँ जय 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 जय
मैं यकूर क्या बोल रहा देख सकते हैं कि महिलाएं कितने उत्साह से भजन कीर्तन में लगी हैं और विश्वनाथ की डोली का इंतजार कर रही हैं और उसी के साथ आप देख सकते हैं अन्ना की खूब ढेर सारी मस्ती। अन्ना की मस्ती तो यहाँ भी नहीं रुक रही है, देख सकते हैं। आत्मसनि प्रजासनि लोकसन्यवयसन्यग्निप्रजां बहुलामयीकरोत्वन्नां विरुद्धमां सा कदलीकरोत्मुद्भूतम्।
कर्पूरम तु प्रतिपदम आराधि महागुरुवे पत्समे वरदो भवा देवनाय विद्याम समर्पयामि नमः नमस्कारोमि वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगतकारणं वंदे पन्नग भूषणं विद्रं वंदे पशुनापतिं वंदे शूर शशांक वंदे वंदे मुकुन्दादेवं वंदे श्रीं गुरुं वंदे शिवं शंकरं उपासनादेवतायो नमः दिव्यवंद्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चलो जी फ्लोर पे टैंक लगा लो। अच्छा यहाँ नहीं आए। अच्छा ये दो ही बहन है मुन्नी चौधरी कुछ नहीं बैठो आप अच्छे स्वागत है आपका मैडम। अरे हमारे साथ थोड़े पति हो गए आंटी जी थोड़ा रुकना थोड़ा पापा जी अच्छा काम कर रहे हैं। वीडियो काफी लंबी होने के कारण आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हुए और जल्द ही हम आपका इसका पार्ट 2 आप सभी लोगों के सामने लेके आएंगे।